और कोरोना महामारी के बीच हमारे देश में पहले विधानसभा चुनावों की घोषणा आज कर दी गई है। बिहार विधानसभा चुनाव की डेट शीट अब आ चुकी है। 243 सीटों के लिए ये चुनाव तीन चरणों में होंगे। 28 अक्टूबर को पहले चरण में 71 सीटों के लिए चुनाव होगा, 3 नवंबर को 94 सीटों पर, और आखिरी चरण की वोटिंग 7 नवंबर को होगी जिसमें 78 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। सभी 243 सीटों पर वोटों की गिनती 10 नवंबर को होगी, यानी 10 नवंबर का दिन आप याद रखिएगा, ये नतीजों का दिन है। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद अब तक 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। ये तीनों ही चुनाव पिछले वर्ष अक्टूबर और दिसंबर के महीने में हो गए थे, यानी कोरोना वायरस के भारत में पहुंचने से पहले ही ये दो चुनाव हो गए थे। हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड तीन जगह चुनाव थे, और ये पहले चुनाव हैं बिहार के जो कोरोना वायरस के काल में, कोरोना वायरस के दौर में हो रहे हैं। बिहार विधानसभा के चुनाव पहले मास्क, ग्लव्स और पीपीई किट वाले चुनाव होंगे, जहां आपको लोग मास्क पहने हुए दिखाई देंगे, पीपीई किट पहने हुए दिखाई देंगे और ग्लव्स पहने हुए दिखाई देंगे। कितना अजीब सा चुनाव होगा। कोरोना पॉजिटिव मरीजों को भी इस बार वोट डालने की इजाजत दी जाएगी, और शाम 5 बजे से 6 बजे का वक्त कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए निश्चित किया गया है। यानी जब सारा मतदान हो चुका होगा तो आखिर का 1 घंटा कोरोना संक्रमित वोटर्स के लिए होगा। मतदान केंद्र पर तैनात सभी चुनाव कर्मचारियों को कोरोना से बचाव के लिए पीपीई किट्स पहनने के लिए दी जाएंगी। इसलिए जब आप आज इस बार बिहार के लोग चुनाव में वोट डालने के लिए जाएंगे तो अपने सामने जो उन्हें लोग दिखाई देंगे, जो कर्मचारी होंगे और जिनकी बूथ पर ड्यूटी लगी होगी, वो सब पीपीई किट पहने हुए होंगे। बड़ा अजीब सा अनुभव होगा ये। सभी वोटर्स को मास्क पहनना जरूरी होगा, लेकिन पहचान के लिए मतदाता को थोड़ी देर के लिए अपना मास्क हटाना होगा। हर वोटर को ग्लव्स दिए जाएंगे। उम्मीदवार ऑनलाइन नामांकन भर सकते हैं। जमानत राशि भी ऑनलाइन जमा की जा सकती है। हालांकि निर्वाचन कार्यालय जाकर भी नामांकन किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए प्रत्याशी 2 लोगों को ही अपने साथ ले जा सकता है, 2 लोगों से ज्यादा नहीं। इसलिए इस बार जो उम्मीदवार हैं वो ज्यादा भीड़ भाड़ अपने साथ नहीं ले जा पाएंगे। उम्मीदवार के रोड शो में चुनाव प्रचार के दौरान अधिकतम 5 गाड़ियां ही चल सकती हैं। चुनावी सभा के लिए सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी होगी। घर घर जाकर चुनाव प्रचार के लिए अधिकतम 5 लोग ही जा पाएंगे, यानी बड़ा फीका फीका सा चुनाव प्रचार होगा। इससे पहले जैसे चुनाव प्रचार हुआ करते थे भीड़ भाड़ वाले, और नेता जो हैं अपने साथ बड़ी संख्या में लोगों को, अपने समर्थकों को ले जाते थे, इस बार वैसा नहीं होगा। अगर इन नेताओं ने ये सारे नियम माने तो, हालांकि हमें पूरी उम्मीद है ऐसी कि कोई भी नेता और उम्मीदवार इन नियमों को मानने वाला नहीं है, और होगा वही जो इससे पहले भी होता आया है। बिहार विधानसभा का पिछला चुनाव 2015 में हुआ था। इन चुनावों में महागठबंधन ने एक तरफा जीत हासिल की थी। बीजेपी और जेडीयू का महागठबंधन बना था। 243 सीटों में से महागठबंधन ने 178 सीटें जीती थी। लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी ने 80 सीटें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू ने 71 सीटें, कांग्रेस ने 27 सीटें जीती थी, बीजेपी को 53 सीटें मिली थी। रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी ने 2 सीटें जीती थी। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी ने 2 सीटें जीती थी। 8 सीटों पर दूसरी पार्टियां और निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी। और आप देख सकते हैं वर्ष 2015 के चुनाव में बीजेपी को 24% वोट मिले थे, आरजेडी को 18%, नीतीश कुमार की जेडीयू को 16%, कांग्रेस को 6% वोट मिले थे, लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी को 4%, आरएलएसपी को 2% और 2% मतदाताओं ने ईवीएम में नोटा का बटन दबाया था। अगर बिहार को अगर आप ठीक से जानते हो तो बिहार के लोगों को राजनीति में बहुत दिलचस्पी होती है, फिल्मों में बहुत दिलचस्पी होती है, हिंदी फिल्मों में और भोजपुरी फिल्मों में भी होती है, और खबरों में भी हमेशा उनकी दिलचस्पी रही है। ये 3 शौक बिहार के लोगों के हैं। खबर देखना उन्हें पसंद है, राजनीति उन्हें पसंद है और फिल्में उन्हें पसंद है, और इस बार का चुनाव इन तीनों का ही मिश्रण होने वाला है। बिहार चुनाव में इस बार शायद प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और दूसरी पार्टियों के नेता या आपके पसंदीदा फिल्म स्टार वोट मांगने आपके घर ना आ पाएं,
लेकिन डिजिटल टेक्नोलॉजी से आपसे वोट जरूर मांगे जाएंगे, इसलिए वोट मांगने का तरीका अब डिजिटल हो जाएगा। कोरोना महामारी से देश जिस तरीके से लड़ा, उस लड़ाई का नेतृत्व तो प्रधानमंत्री मोदी ने किया, इसकी तारीफ दुनिया में हो रही है। बिहार के लोगों को भी कोरोना काल में प्रधानमंत्री मोदी की देश के अभिभावक वाली भूमिका याद होगी। आपको याद होगा 15 जून को पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में बिहार रेजिमेंट के सैनिकों ने चीन की साजिश को नाकाम करते हुए उसके 45 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया था। तो इस बार का जो चुनाव होने वाला है वो कोरोना वायरस पर चुनाव होगा कि मोदी सरकार ने कोरोना वायरस पर कैसा प्रदर्शन किया। दूसरा मुद्दा होगा चीन के साथ जिस तरीके से सरकार ने डील किया है उस पर, ये लोगों की मर्जी इस बार आपको पहली बार पता चलेगी। और मुंबई में सुशांत सिंह राजपूत की मौत भी बिहार चुनावों के लिए एक बड़ा मुद्दा होगी। बिहार की हर पार्टी इस मुद्दे से खुद को जोड़कर लोगों के सामने जरूर जाएगी और पूरा फायदा लेने की कोशिश करेगी। यानी इस बार बॉलीवुड भी बिहार के चुनावों में आपको दिखेगा और सुशांत सिंह राजपूत की मौत बिहार का एक बड़ा चुनावी मुद्दा बना रहेगा। 40 साल बाद पहली बार ऐसा होगा कि विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव मौजूद नहीं होंगे। बिहार में लालू प्रसाद खुद भी चुनावी मुद्दा हर बार होते हैं। इस वक्त वो चारा घोटाले के मामले में रांची की जेल में बंद हैं। भ्रष्टाचार के दोषी लालू यादव बीजेपी और जेडीयू के लिए एक चुनावी मुद्दा हैं। आरजेडी के लिए भी लालू यादव चुनावी मुद्दा हैं और लालू यादव के परिवार में मनमुटाव की खबरें आती रही हैं, लेकिन आरजेडी के लिए वोट के बड़े आधार खुद लालू प्रसाद यादव ही हैं। इसलिए ये भी देखना होगा कि लालू यादव इस बार कितना बड़ा मुद्दा बनते हैं, खास तौर पर अगर वो जेल में हैं तो क्या उनके लिए कोई सहानुभूति की लहर बिहार में दिखेगी या नहीं, ये एक बड़ी बात है। इसलिए हमने आपको लालू का मुद्दा बताया, हमने आपको सुशांत का मुद्दा बताया, हमने आपको चीन और कोरोना वायरस का मुद्दा बताया। इन पर जनता अपनी राय जरूर जाहिर करेगी, देश को पता चलेगा कि जनता की मर्जी इस बारे में क्या है। लेकिन इस सबसे ये हुआ कोरोना वायरस के कारण कि अब नीतीश कुमार की जो अपनी परफॉर्मेंस है, या जिसको आप कहते हैं कि विकास के नाम पर जो चुनाव लड़ने की बात होती है, विकास और नीतीश कुमार की अपनी परफॉर्मेंस अब शायद कहीं पीछे छूट गई है। अब शायद लोग उसके बारे में बात भी नहीं करेंगे। कोरोना काल में हम मास्क, ग्लव्स, पीपीई किट, सैनिटाइजर्स और डिजिटल चुनाव प्रचार और वर्क फ्रॉम होम, ये सारे बदलाव देख रहे हैं। क्या ये नया दौर है? क्या आगे चलकर हम वोटिंग के तरीके भी बदलते हुए देखेंगे? क्या अब डिजिटल वोटिंग होनी चाहिए जहां लोग घर में बैठे बैठे अपनी वोट आप तक पहुंचा सकें? इसलिए हमने ये देखा कि सब कुछ तो बदल गया, चुनाव प्रचार का तरीका बदल गया, इस बार वोट कैसे डाले जाएंगे उसके लिए भी नए इंतजाम किए गए हैं, पीपीई किट वाला चुनाव ये हो जाएगा। कोरोना वायरस ने आपका जो पूरा लाइफस्टाइल है उसको बदल दिया, वर्क फ्रॉम होम कर दिया। तो ऐसा कैसे है कि राजनीति में भी इतनी सारी चीजें बदल गई लेकिन वोटिंग वैसे ही होगी जैसी हमेशा होती रही है? इसलिए अब समय आ गया है जब सरकार को, इस देश के नेताओं को यह भी सोचना होगा कि क्या अब वोटिंग भी डिजिटल तरीके से करवाई जानी चाहिए। अब क्या जरूरत है कि हमारे देश के वोटर लंबी लाइनों में लगकर खुद पोलिंग बूथ पर जाकर वोट डालकर आए? अब टेक्नोलॉजी का युग है, अब ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी हैं और इस पर विचार करना चाहिए कि लोग अपने मोबाइल फोन से, अपने लैपटॉप से ही डिजिटल तरीके से अपना वोट सीधे अपने घर में बैठे हुए डाल सकें। तभी कोरोना वायरस के दौर का ये जो चुनाव है इसे आप सफल मान पाएंगे।